नमस्कार। अभी देश भर में नोटबंदी के समर्थन में कई संगठन आगे आई है। इसी बीच में एक और संगठन जो दिल्ली में अभी कार्यक्रम करने जा रही है, हम उनसे बात करते हैं और इनके बारे में काफी कुछ अखबारों में भी छपा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या नाम है आपके संगठन का? अखिल भारतीय सर्वांगीण विकास संगठन। जी, क्या आपका क्या नाम है? मेरे नाम पापड़ी हल्दार। पापड़ी जी, ये बताइए कि क्या कुछ करने जा रही हैं आपके कार्यक्रम में? हम लोग चाहते हैं कि जो आज हमारी भारत वर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा से बड़ा कदम, सख्त कदम उठाया है डीमोनिटाइजेशन को लेकर के, जैसे इस कदम को हम लोग तहे दिल से स्वागत करती है। इस देश में आज हम लोग जानती है दिन प्रतिदिन जितना करप्शन चल रहा था, वो करप्शन के रुकने के लिए ये एक सख्त कदम है। सिर्फ यही नहीं है, जो कैश के माध्यम से ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन होता था वो आज संभव नहीं है। देशद्रोही वो आतंकवाद जैसे संगठन को जो फंडिंग होता था, आज वो बंद करने के एक सख्त कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। हम लोग उनके बहुत ही आभारी है। आज हम लोग के अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि आने वाला दिन में इस देश में इस तरीके के जो काम करते हैं लोग, वो करने से वो पीछे हट जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो घोटाला होता है वो बंद हो जाएगा। आप देखिए एक एग्जाम्पल, जो कश्मीर में है, जो जिन लोग नहीं जानते हैं किस लिए पटकाबाजी कर रहे हैं, किस लिए सिक्योरिटी को मार रहे हैं, इन लोग को पता नहीं है। कुछ रुपया फंडिंग दे करके, उन लोग को दे करके देशद्रोही का काम करा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज देश में एक नेता कौन होता है जिनका मार्गदर्शन पर लोग चलने के लिए मजबूर हो जाता है, उनको नेता बोलते हैं। आपके इस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता आ रहे हैं? कोई मंत्री हम सबसे पहले जिनको ये किया, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर श्री रामदास अठावले जी, क्योंकि ये एक सोशल बिग मुद्दा है, इसलिए हम चाहती है कि उनके माध्यम से इनोग्रेट हो ये प्रोग्राम। इसके अलावा हम लोग इनवाइट किया है मनोज तिवारी जी को, जिन्होंने एमपी एवं बीजेपी का स्टेट राज्यसभा का स्टेट प्रेसिडेंट है। सिर्फ यही नहीं है, डॉक्टर आमोद शर्मा एयर इंडिया डायरेक्टर जिन्हें मुंबई से आएंगे और इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, और मिस्टर ए के वाजपेयी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट पैनल में है। काफ़ी बड़ा बड़ा लोग इसमें आ रहे हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी एमपी लोकसभा, उनको भी हम लोग इन्वाइट किया। ढेर सारे अलग अलग फील्ड से लोग अपना अपना व्यूज रखेंगे, और इसके बाद हम लोग नया साल को इनोग्रेट करते हुए कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखा है। और जो सिक्योरिटी फोर्स इस देश के लिए शहीद हुआ है, उन लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए हम कैंडल के साथ उन लोगों को याद करेंगे। इस देश हम जानती है कि इस जो डिसीशन मोदी जी ने लिया, ये तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा परेशानी हुआ है, लेकिन एक बिग चेंज के लिए, देश के मजबूत अर्थव्यवस्था करने के लिए ये सहना एक पड़ता है। सिर्फ वही नहीं है, आप मान के चलिए कि 106 लोग लाइन पर जाकर के उनका देहांत हुआ, लेकिन कोई आज़ादी, जैसे आज भ्रष्टाचार से आज़ादी होने के लिए ये कदम उठाया है, कोई आज़ादी बिना बलिदान से नहीं होता है, ये संभव नहीं है। ये एक बलिदान किया है जो भ्रष्टाचार से आज़ादी के लिए, इसलिए उन लोग को भी हम याद करें। आप कह रहे हैं कि देश में युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है। सिर्फ युवा नहीं, आप कोई पर भी छोटा से छोटा कारोबार, हम हर प्लेस में जा कर के सर्वे किया, सारे लोग, ऐसे कि ऑटो ड्राइवर से लेकर के सारे लोग बहुत खुशी मिजाज में है कि आप लग रहे हैं कि हमको सही लीडरशिप का एक दिशा दिखाई दिया है। हम आत्मविश्वास हुआ है इस देश में विकास होगा। एक बात है, कोई को ये भी बात क्वेश्चन आया कि जो किसान है, जो एक पेट भूखा रहता है, उनको क्या मिला है, लेकिन 70 साल से आप लोग क्या किया था? आज नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लेकर के इन लोग, आप लोग तो बैंक का लोन भी क्लियर कर दिया था, बैंक लोन नहीं दे पाया, उनको मुक्त कर दे, फिर भी सुसाइड क्यों किया, वो बात क्यों नहीं दिमाग में आया? नरेंद्र मोदी जी प्रैक्टिकल ग्राउंड में डिसीजन ले करके किस किस बारे में उन लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, उनका कदम उठाया है, जैसे सॉयल कार्ड,
जिस मिट्टी में आपका फलन होता है उसका मिट्टी का क्या ये है, उसका उर्वरता क्या है, उसको एग्जाम करने के लिए जो जो फ्रूट्स कुछ भी फलन होता है वो मार्केटिंग कैसे होगा, उसके लिए मार्केटिंग करने के लिए एवरीथिंग में उन्होंने एक टाइम बेंडिंग वर्क कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत बड़ा बहुत मायने रखता है। सारे लोग जानता है नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक नया दिशा दिखाया है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं सारा विश्व में, पूरा विश्व में हमारी कंट्री एक बिग वे दिखाया है। इसलिए हम उनके ऊपर में सारे जनता के ऊपर से बहुत ही आभारी है। हम चाहती है कि आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी कोई कैंडिडेट यहाँ आएंगे या आपके कार्यकर्ता आएंगे, कुछ ऐसा है? हाँ, काफी लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से नहीं, झारखंड से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, मुंबई से आ रहे हैं, अलग अलग दिशा से लोग आ रहे हैं। आप इस बीच में इस कार्यक्रम के लिए कोई गीत आपने तैयार किया है जिसके बारे में हम सुनना चाहेंगे? आपने मैं बोसेन साहब को बोलेंगे, इन्होंने बहुत अच्छे से ये किया है, क्योंकि हम बंगाली है लैंग्वेज उनका ज्यादा ये। पहले तो मैं ये कि नमो जी नरेंद्र मोदी जी की शान में है जी, कि नमो जी सिर्फ भारत नहीं तुम तो भारत, तुम तो विश्व की शान हो। नमो जी सिर्फ भारत नहीं तुम तो विश्व की शान हो, जो ना जाने तुमको यहाँ मैं सबसे बड़ा नादान हो। काले धन को दूर भगाओगे एक नया गुल खिलाओगे, रोशन भारत को बनाओगे। काले धन पे पड़नी अब तो मार है, काला धन तो भारत पर भारी भार है। नमो जी नमो जी नमो जी नमो। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि कल की तैयारी है नोटबंदी के समर्थन में जो कार्यक्रम होने जा रहा है। ये एक संगठन है जिसमें ढेर सारे लोग आने वाले हैं, इंतजार कीजिए कल के इस कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। ठीक है।